इज वेलकम टू माई वीडियो लेसन्स। मेरा नाम शिवा कुमार है, आपका फिजिक्स टीचर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्री बॉडी डायग्राम। तो फ्री बॉडी डायग्राम किसको कहते हैं? यह एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है एक बॉडी का, जो हमें बताता है कि उस पर कौन कौन से फोर्सेज लग रहे हैं। जैसे कि ये एक फिगर है जिसमें एक ब्लॉक है, लटका हुआ है रस्सी से, तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम क्या हो सकता है? वो कुछ इस तरह से दिखता है। तो देखते हैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के क्या क्या स्टेप्स होते हैं। तो इसके दो स्टेप्स होते हैं, जिसमें सबसे पहले हमें सिस्टम को डिसाइड करना होता है कि सिस्टम होगा क्या। दूसरा, हमें सारे फोर्सेस को आइडेंटिफाई करना होता है जो उस सिस्टम पे लग रहा हो। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे मासेस दिए हुए हैं, ब्लॉक्स रखे हुए हैं। एक का मास है क्या? कैपिटल एम। दूसरे का मास क्या है? स्मॉल एम। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। तो इसका एक तरीका है फ्री बॉडी डायग्राम बनाने का, कि पहले सिस्टम डिसाइड करेंगे। तो सिस्टम डिसाइड किसको कर सकते हैं? या तो ए को या तो बी को सिस्टम डिसाइड करेंगे। तो अगर ए को हम सिस्टम मानते हैं, इस ब्लॉक को सिस्टम मानते हैं, तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा, जिसमें सारे फोर्सेस दिखा दिए इस बॉडी पे, जो जो फोर्सेस लग रहा है। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है बॉडी टू, जो ब्लॉक बी है, इसका आप बीडी बना सकते हैं, इसको सिस्टम मानेंगे तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगा। तीसरा तरीका क्या है? तीसरा तरीका है इस पूरे सिस्टम को, इस पूरे कॉम्बिनेशन को एक सिस्टम मान लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? ए प्लस बी। तो ए प्लस बी में इसका मास क्या हो जाएगा? इस पूरे सिस्टम का मास हो जाएगा दोनों के मास के सम, और इस पर नेट ग्रेविटेशनल फोर्स क्या लगेगा? स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम इंटू जी। तो ऐसे इसका एफबीडी बना सकते हैं। आगे देखते हैं, एग्जांपल से समझते हैं कैसे एफबीडी बनाते हैं। जैसे यहाँ पे एक ब्लॉक रखा हुआ है। अब इस ब्लॉक पे क्या क्या फोर्सेज लग रहे हैं? एक तो नीचे की ओर फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स एम जी, और दूसरा ये जो ग्राउंड है जिस पे बॉडी रखा हुआ है, ये भी इसको ऊपर की ओर फोर्स लगा रहा है, परपेंडिकुलर सरफेस के परपेंडिकुलर नॉर्मल फोर्स। तो ये इसका एफबीडी कुछ ऐसा हो जाएगा। तो अगला एग्जांपल देखते हैं। जैसे यहाँ पे एक स्पेयर रखा हुआ है, इसका एफबीडी बनाना है। तो इस पे कौन कौन से फोर्सेज लग रहे हैं? एक तो नीचे एम जी फोर्स लग रहा है, फिर कौन सा फोर्स लगेगा? इस इंक्लाइंड सरफेस पे भी, मतलब ये इंक्लाइंड जो सरफेस है, ये भी इस पे नॉर्मल फोर्स इधर लगाएगा। दूसरा, यहाँ ये इंक्लाइंड सरफेस है, ये भी इसको इस डायरेक्शन में नॉर्मल फोर्स इनटू लगाएगा। तो इसका एफबीडी कैसा हो जाएगा? इस पूरे स्फीयर को एक स्मॉल पॉइंट ले लेंगे और इस पे सारे फोर्सेस को इंडिकेट कर देंगे, तो इसका एफबीडी कुछ ऐसा बन जाएगा। अगला देखते हैं, इसमें क्या है? इस क्वेश्चन में क्या है? एक ब्लॉक दो रस्सी से टंगा हुआ है, एक तो हॉरिजॉन्टल है और दूसरा कुछ एंगल पे इंक्लाइंड है, इसका एफबीडी बनाना है। तो सबसे पहले क्या देखेंगे? सिस्टम मानेंगे। सिस्टम तो ये ब्लॉक ही है केवल, तो यही सिस्टम हो गया। अब हम लोग देखेंगे इस ब्लॉक पे कौन कौन से फोर्सेज लग रहे हैं। तो एक एम जी हो जाएगा नीचे, तो इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे लगेगा। दूसरा फोर्स क्या हो जाएगा? टी वन, जो इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे टेंशन फोर्स लगेगा। तीसरा फोर्स क्या हो जाएगा? टी टू, जो इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे लगेगा। अब इसका एफबीडी कैसे बना सकते हैं? ऐसे बना सकते हैं, इस पूरे ब्लॉक को एक पॉइंट मानेंगे, तो इस पे फोर्सेस सारे इंडिकेट कर देंगे, नीचे एम जी, हॉरिजॉन्टली टी वन, फिर थीटा एंगल पे इंक्लाइंड टी टू। तो ये इसका एफबीडी हो जाएगा। होप आपको समझ में आया होगा। आप अगला, इसमें कुछ भी आपको कमेंट करना है आप कमेंट में लिखे, जो भी आपको कहना है कमेंट में लिखे। और अगला वीडियो कौन से टॉपिक पे या कौन से क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए बनाएं आप कमेंट में लिखें। आपको कैसा लगा होगा आप बताएं। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।